नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भगवान शनिदेव की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों आने वाले अगले 15 दिनों में आपके जीवन काल में आपके जो दुश्मन तत्व बने हुए हैं दोस्तों, अब उनके शरीर पर कीड़े पड़ने लगेंगे। जो दोस्तों अब उनके पापों का घड़ा भर गया है। दोस्तों उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने पाप और बुरे कर्म किए हैं दोस्तों, अब उनके पापों का एक एक हिसाब किताब होने वाला है। जी दोस्तों, नया साल 2023 के शुरुआती महीने में आपकी ज़िंदगी में होने वाला है बहुत बड़ा बवाल। जी दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि दोस्तों आने वाले इन 15 दिनों के समय अवधि में आपकी कुंडली में भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी हैं, जिस कारण से आपके जीवन काल में आपके जो दुश्मन तत्व बने हुए हैं दोस्तों, जो लोग आपको काफ़ी समय से परेशान कर रहे हैं या फिर जो इंसान आपको काफ़ी तंग कर रहे हैं दोस्तों, अब उन सभी का सर्वनाश होना तय है। जी दोस्तों, अब भगवान शनिदेव के दिव्य दृष्टि और दिव्य कृपा आपकी कुंडली पर अब महा चमत्कार करने जा रही हैं आने वाले अगले 15 दिनों के अंदर। जी दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि दोस्तों पूरे 999 साल बाद आपके कुंडली में शनिदेव की ऐसी माया दिखने वाली हैं जो कि दोस्तों आपकी किस्मत को अब हीरे के समान बना कर रख देगी। जी दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, अब आपके जीवन काल में जितने भी दुश्मन तत्व आपके बने हुए हैं दोस्तों, अब उनके शरीर पर कीड़े पड़ेंगे और जो लोग अब आपको परेशान करेंगे दोस्तों, अब उनका सर्वनाश होना सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि शनिदेव का सबसे बड़ा साथ अब आपके साथ होने वाला है। अब हर कदम पर शनिदेव आपके जीवन में खुशियाँ की बौछार करने वाले हैं। जी दोस्तों, आप भगवान शनिदेव की कृपा से आपको आने वाले इन 15 दिनों के समय अवधि में अचानक से जो जो खुशखबरी मिलने वाली हैं और अचानक से आपके ज़िंदगी में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, उसे देख कर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिए। दोस्तों हम आपको सारी बातें बताएंगे कि आने वाले इन 15 दिनों के समय अवधि में, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के अंदर आपकी ज़िंदगी में भगवान शनिदेव कौन कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं, तो आप लोगों को कौन कौन से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं, साथ ही आपके दुश्मनों के साथ क्या बड़ी घटनाएं इसमें होने वाली हैं और आपके ज़िंदगी में इसमें क्या क्या परिवर्तन भी लेकर आने वाले हैं। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको बताएंगे, तो इन्हें आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, बड़े की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले भगवान शनिदेव के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को अभी के अभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होंगी और आपके ज़िंदगी की हर एक परेशानियां भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आने वाले अगले 15 दिनों का समय आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट समय रहने वाला है। दोस्तों आने वाले नया साल में आपकी ज़िंदगी में अब जो होने वाला है दोस्तों, उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जो दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों पूरे 999 साल बाद आपके कुंडली में भगवान शनिदेव की ऐसी कृपा दृष्टि पड़ने वाली हैं जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से अब बदलने वाली हैं। और दोस्तों आपके ज़िंदगी में आपके जो दुश्मन तत्व बने हुए हैं दोस्तों, जो लोग आपको काफ़ी परेशान करते हैं, काफ़ी तंग करते हैं दोस्तों, अब उन सभी का सर्वनाश होना सुनिश्चित हो चुका है और उनके शरीर पर अब कीड़े पड़ने वाले हैं। जी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितना पाप किए थे दोस्तों, अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। दोस्तों अब भगवान शनिदेव उनके हर एक पापों का हिसाब किताब लेने वाले हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों भगवान शनिदेव कर्मों के दाता हैं और दोस्तों जो इंसान अपने ज़िंदगी में जैसा कर्म करते हैं दोस्तों, भगवान शनिदेव उसे वैसा ही फल देते हैं। और आपके दुश्मनों ने जैसा कर्म किया था दोस्तों, अब आने वाले इन 15 दिनों के समय अवधि में उन लोगों को वैसा ही फल की प्राप्ति होने वाली है। जी दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों ने पिछले समय अंतराल में
जो अच्छे कर्म किए थे, जो आपने मेहनत और परिश्रम किए थे दोस्तों, अब आपके उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है जी दोस्तों। अब आपको अचानक से जो खुशखबरी मिलेंगी, अचानक से आपको जो यश में कामयाबी हाथ लगेंगी दोस्तों, उसे देखकर आप और आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने लग जाओगे जी दोस्तों। आने वाले या नया साल में आपकी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार अचानक से देखने को आपको मिलेंगे कि दोस्तों, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जी दोस्तों। आप लोगों ने जिस घटनाओं के बारे में कभी सपने में ना सोचे होंगे दोस्तों, अब वह घटनाएं आपके ज़िंदगी में वर्तमान काल में होने जा रहे हैं जी दोस्तों। आने वाले इन 15 दिनों के समय अवधि में आपकी ज़िंदगी में वह होने वाला है जो कि दोस्तों आपने कभी इस घटना के बारे में सपने में ना सोचे होंगे। और दोस्तों यश में आपका वह सपना सच और साकार होंगे दोस्तों, जिनके लिए आप लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, काफ़ी सारे आप लोगों ने इनके लिए मेहनत और परिश्रम भी किए थे दोस्तों। अब आपका वह सपना पूर्ण होने वाला है जी दोस्तों। आने वाले अगले 15 दिनों के अंदर आपको वह खुशियाँ प्राप्त होंगी दोस्तों, जिनके लिए आप इस खुशखबरी के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे जी दोस्तों। अब भगवान विष्णुदेव आपके सारे कर्मों का, सारे मेहनत का फल आपको देने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों यह समय इसमें आप लोग जो भी नया कार्य शुरू करेंगे, जिन भी क्षेत्रों में ऐसे में आप लोग इसमें हाथ बढ़ाएंगे दोस्तों, वह कार्य आपका आसानी से पूर्ण भी होगा और उसमें आपको अच्छी खासी लाभ की प्राप्ति भी यह समय होने वाली है। और दोस्तों आप लोग जिन मुसीबतों का सामना काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे थे, जिन परेशानियों का सामना आप लोग करते आ रहे हैं दोस्तों, अब उन सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाले हैं और आपके लिए वह समय आ चुका है जिनके लिए आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे जी दोस्तों। अब आपकी इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। और दोस्तों नया साल आपके लिए खुशहाली का पैगाम भी लेकर आ रहे हैं दोस्तों। साल का पहला दिन कोई भी नए कार्य का श्री गणेश करने के लिए योग्य हैं और आप अपने परिजनों की खुशी हेतु दिल से प्रयत्न भी करेंगे। परिवार के लिए कोई भी नया सम्मान या इसमें आप लोग ले सकते हैं और यश में बहुत से आइडिया आपके मस्तिष्क में अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी आ रहे हैं। और यश में अपनी बुद्धि चतुराई से हर काम में आपको सफलता भी प्राप्त आप कर लेंगे और यश में धन का वह अधिक भी होगा, इसलिए साल के पहले दिन आपके खर्च में सेम रखने की सलाह भी दी जाती है। और यश में आपको धन संबंधित एवं लेन देन संबंधित सभी कार्यों में सावधानी रखने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी, वरना आपके साथ यश में कोई बड़ा धोखा भी हो सकता है। और यश में आप किसी के साथ विवाद में ना ही पड़े तो आपके लिए बेहतर रहेंगे, वरना समस्याएं हो सकती हैं। और यश में मध्यम फलदायी देने वाले साबित होंगे और संतान एवं व्यापार की परेशानियों के कारण यश में आपका मन थोड़ा शांत भी रहेंगे, परंतु आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं होगी, यह परेशानी आपके ज़िंदगी से जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। और यश में भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोगों को कारोबार में भी अच्छा लाभ की प्राप्ति होंगी। यश में शैक्षिक कार्यों में आपका ज़्यादा मन भी इसमें लगेंगे और समाज में इसमें आपका मान सम्मान भी बढ़ेंगे। और यह इसमें आपकी कई योजनाएं भी समय पर पूरी होने पर आपको खुशी भी मिलेंगी और कार्य क्षेत्र में इसमें आपकी तरक्की भी होंगी और अपनी बड़ी हुई ऊर्जा से आप यह बहुत कुछ हासिल भी कर लेंगे। और यह इसमें आपके मन की इच्छा भी पूरी होंगी और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इसमें आप लोग नए कदम भी उठाएंगे और यह कदम आपको उस मुकाम पर भी पहुंचाएगा जिसके लिए आप यह कदम उठाएंगे। और दोस्तों बच्चे अपने दोस्तों के साथ या से मिलकर पढ़ाई भी करेंगे और आपका समय या इसमें शानदार भी साबित होने जा रहा है।